ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले आप क्या देखोगे, ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, लाइसिस ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज को तोड़ना। अब ग्लूकोज को कैसे तोड़ा जाएगा, तो ग्लूकोज को तोड़ना जो है एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? स्टेप वाइज। कितने स्टेप का होता है? 10 10 स्टेप, यानी 10 स्टेप का प्रोसेस है। उसमें धीरे धीरे ग्लूकोज को क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। और ग्लूकोज को किसमें तोड़ा जा रहा है, ग्लूकोज को पाइरुविक एसिड में तोड़ा जा रहा है। यानी ग्लूकोज यहाँ पे देखोगे 6 कार्बन का है और पाइरुविक एसिड जो है 3 कार्बन का है। यानी धीरे धीरे ग्लूकोज को तोड़ करके कितने कार्बन का कर दिया गया, 3 कार्बन का कर दिया गया। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस के बारे में आप देखोगे कि क्या जो है, 3 साइंटिस्ट ने ग्लाइकोलिसिस को दिया था, इस कारण से उन साइंटिस्ट के नाम पे इसको क्या बोला जाता है, ईएमपी पाथवे। क्या बोला जाता है? ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे जो बोला गया, उसके बाद अगर ग्लाइकोलिसिस के बारे में हम लोग बोलते तो ग्लाइकोलिसिस के बारे में बोल सकते हैं कि ये जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे में क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस होगा, है ना। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनएरोबिक, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो सारे के सारे में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोलिसिस प्रेजेंट होगा। और ग्लाइकोलिसिस अगर जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्रेजेंट है सब में, तो उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस या एब्सेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ेगा, है ना। अगर आप ग्लाइकोलिसिस देखोगे तब भी यहाँ देखो कोई भी ऑक्सीजन का यहाँ पे रोल नहीं है। अब देखो ग्लाइकोलिसिस में होगा क्या, ग्लूकोज है सबसे पहले आपका, ग्लूकोज जो है आपको किसमें, ग्लूकोज किसमें चेंज करना है, आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ना है, और ग्लूकोज को अगर तोड़ना है तो ग्लूकोज के पास कितना कार्बन का, मतलब कितना एटम का रिंग है, 6 कार्बन का रिंग है। जो आपका ग्लूकोज है वो कितने कार्बन का, कितना एटम का रिंग है, 6 एटम का रिंग है। और उसको बनाना किसमें है, वो 5 एटम का रिंग है। यानी कि अगर 6 एटम का रिंग से 5 एटम के रिंग की ओर जा रहे हैं तो वहां पे स्टेन इंक्रीज, स्टेन अगर इंक्रीज करेगा तो टूटेगा जल्दी जल्दी। तो जल्दी तोड़ने के लिए उसको क्या किया जा रहा है, ग्लूकोज को किसमें चेंज किया जाएगा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को डायरेक्टली फ्रुक्टोज में चेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए क्या किया जाता है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज किया जाता है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फर्दर किसमें चेंज होता है, फ्रुक्टोज। यहाँ पे एक बात आपको और ग्लाइकोलिसिस का याद रखना है, पहला तीसरा और लास्ट स्टेप क्या होता है, यानी वो पीछे नहीं जाएगा, ठीक है। देन अगर हम लोग बोले जहां जहां काइनेज जाएगा, क्या बोला, जहां जहां काइनेज जाएगा वहां वहां एटीपी का बात करेंगे हम लोग, है ना। या तो एटीपी यूटिलाइज होगा या तो एटीपी रिमूव होगा, है ना। तो हम लोग क्या बोले, जहां जहां काइनेज जाएगा वहां वहां एटीपी से रिलेटेड बात होगा। देन जो आप टेन स्टेप का पाथवे देख रहे हो, तो इसमें जो ऊपर का जो पाथवे देख रहे हो, यानी कि ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट तक का जो पाथवे है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रिपरेटरी फेज। और उसके नीचे के पार्ट में हो क्या बोलेंगे, क्यों प्रिपरेटरी बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एटीपी का क्या हो रहा है, एडिशन। अब एडिशन एक्चुअली एटीपी का नहीं होता है, एडिशन होता है एक्चुअली फॉस्फेट का। इसका होता है एटीपी टूटता है और फॉस्फेट जो है ऐड किया जाता है, जिसमें ग्लूकोज का जो सबस्ट्रेट टूट रहा है उसमें ऐड किया जा रहा है। और ये जो एटीपी ऐड किया जा रहा है उसको फिर बाद आगे आगे चल करके जो आगे का स्टेप है, जिसको कि हम लोग एरोब फेज बोल रहे हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, मतलब एटीपी को निकालेंगे। अब देखो क्या है, ग्लूकोज किसमें चेंज कर देंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ग्लूकोज कितने कार्बन का है, 6 कार्बन, यानी हेक्सो हो सकते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या बोला, जहां जहां एटीपी की बात होगी वहां वहां क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इन्हें क्या हो जाएगा, हेक्सोकाइनेज हो गया। हेक्सोकाइनेज के बाद क्या हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है किसमें चेंज हो जाएगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में अगर चेंज हुआ है, तो ये अगर ग्लूकोज जो है फ्रुक्टोज में चेंज हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, आइसोमेराइजेशन। तो एंजाइम क्या हो जाएगा, आइसोमेरेज एंजाइम हो जाएगा। और आइसोमेरेज एंजाइम यहाँ पे देखोगे, इसके बाद फर्दर हम लोग क्या बोले, ये आइसोमेरेज एंजाइम है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फर्दर क्या हो रहा है, फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट में चेंज हो रहा है। कितने चेंज हो रहा है, 1,6 बिस्फॉस्फेट। अगर फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट में चेंज हो रहा है, तो एटीपी जो है फिर से ऐड करेगा फॉस्फेट ग्रुप, एटीपी में वो टूटेगा और फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देगा यहाँ पे। और फॉस्फेट ग्रुप जब ऐड होगा, तो यहाँ पे पहला पोजीशन पे फॉस्फेट का, यहाँ पे छठा पोजीशन पे फॉस्फेट आ जाएगा। यानी 1 और 6 दोनों पोजीशन पे क्या मिलेगा आपको, फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा। हाँ, या तो पहला पे होगा या तो लास्ट में होगा, बीच में ऐड नहीं हो सकता है, स्टेबिलिटी के आधार पे उसका एडिशन करता है। और रिमूव भी होगा तो वैसे ही होगा,
रिमूव भी होगा वैसे ही होगा, ऐड भी होगा वैसे ही होगा। पहला पहला लाइन, पहला तीसरा हो गया, पहला छठा हो गया, शेक से आपका। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में हो गया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है आपका किसमें हो जाएगा, यहाँ पे एक एंजाइम आया जिसको क्या बोलते हैं, अल्डोलेज। और अल्डोलेज किसमें चेंज कर देगा इसको, ग्लिसरल्डिहाइड। एल्डिहाइड यहाँ देखोगे 3 फॉस्फेट, यहाँ पे क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और यहाँ पे देखोगे ये जो है 3 कार्बन में टूट गया, कितने कार्बन में टूट गया, यानी कि ये जो था इसका डबल हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 तक हम लोग बात कर रहे थे, इसको क्या बोल रहे हैं, 2 बोल रहे हैं, यानी ये 1 था, यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज हो गया। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में जब चेंज हो गया, ये एल्डिहाइड है और यहाँ पे DHA भी, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एसीटोन यानी कि कीटोन, कीटोन को एसिड में चेंज किया जा सकता है क्या, नहीं। इसलिए आपको एरो यहीं पे मिल रहा है, यानी एल्डिहाइड को हम लोग एसिड में चेंज कर सकते हैं। तो एल्डिहाइड जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन अगर इसका करें तो ये किसमें चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है किसमें चेंज हो जाएगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, किसमें हो गया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पे देखो क्या है, एक बार और फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है और एक बार और फॉस्फेट ग्रुप आएगा, तो यहाँ पे पहले तीसरा पोजीशन पे फॉस्फेट था, पहला पोजीशन पे जुड़ जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने हमने क्या बोला, फर्स्ट और लास्ट पे जुड़ेगा और हटेगा भी तो फर्स्ट और लास्ट से हटेगा। तो यहाँ पे पहला पोजीशन पे था और यहाँ तीसरा पोजीशन पे था, तो एक और आ जाएगा तो पहला पोजीशन पे आ गया। देन जो है क्या हो जाएगा, ये 1-3 बीस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है इसमें चेंज हो जाएगा। आपको फर्दर यहाँ से क्या हो जाएगा कि अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, एटीपी जो है अपना रिमूव करना स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, अब रिमूव करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगी, 1-3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से एटीपी अगर रिमूव करेंगे तो सबसे पहले एक रिमूव करेंगे, एक रिमूव किया तो ये क्या बना दिया, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्या बना दिया, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी पहला वाला एटीपी जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है एटीपी के फॉर्म में निकल गया है। यहाँ पे देखो एटीपी बन गया, एक बन गया ना, और यहाँ पे चूंकि ये डबल है इसलिए कितना बना, 2 एटीपी बना। साथ ही साथ हम लोग क्या बोल रहे हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है म्यूटेज होता है, मतलब यहाँ पे म्यूटेज अगर कहीं पे भी आ रहा है तो क्या हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगा, यानी अगर दूसरा पोजीशन पे है तो तीसरा हो जाएगा, पहला पोजीशन पे है जो है तो दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो तीसरा पोजीशन पे है तो किसपे चला गया, दूसरा पोजीशन पे, तो एंजाइम क्या आ जाएगा, म्यूटेज हो गया। अब म्यूटेज जो किसमें चेंज कर दिया, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और यहाँ पे एक और एंजाइम आएगा जिसको क्या बोलेंगे, इनोलेज, है ना, इनोलाइजेशन कराएगा। और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को किसमें चेंज कर देगा, फॉस्फोइनॉल, जब इनोलेज आ गया तो किसमें चेंज कर देगा, इनॉल, है ना, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, किसको में किसमें बोलेंगे, चेंज कर दिया और होगा प्रोसेस पूरा पूरा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म, बस ये चीजें मैं